हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है त्रिशक्ति एकेडमी में। और आज हम डिस्कस करेंगे इंजीनियरिंग ड्राइंग 2 का कंप्लीट सिलेबस इन वन वीडियो। इसी वीडियो में हम कंप्लीट सिलेबस जानेंगे, क्या क्या कंटेंट है हर चैप्टर के अंदर, कितने आपको पास होने के लिए मार्क्स चाहिए, कौन सी आपको बुक लेनी चाहिए, इस सब के बारे में देखिए मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। तो जैसे कि आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं कि जो बेस्ट बुक है हमारे पास वह सार्थक पब्लिकेशन जो है वो बेस्ट बुक है इंजीनियरिंग ड्राइंग 2 के लिए या इंजीनियरिंग ग्राफिक्स 2 के लिए। मैं आपको बता दूं, इंजीनियरिंग ड्राइंग 2 है वो काफ़ी थोड़ा डिफ़िकल्ट है फर्स्ट सेमेस्टर की इंजीनियरिंग ड्राइंग से, क्योंकि इसमें आपको वेरियस टॉपिक्स जो हैं वो स्टडी करने हैं। वेरियस टॉपिक का अर्थ है कि आपको इसमें सिंपल जो है वो ड्राइंग्स यहाँ पर नहीं पूछी जाएंगी, हर आपको कंटेंट पूछा जाएगा। सबसे ज़्यादा बैग जो है इंजीनियरिंग ड्राइंग सेकेंड में ही स्टूडेंट्स की यहाँ पर आती हैं। तो आप यहाँ पर देखिए, सबसे पहले हम यहाँ पर देखते हैं इंजीनियरिंग ग्राफिक्स 2 है हमारे पास। तो सिलेबस सबसे पहले हम देखते हैं कितनी शीट आपको बनानी है, ये भी हम जानेंगे। तो यहाँ पर आप देखिए, हमारे पास सबसे पहला जो चैप्टर है वो है इंट्रोडक्शन ऑफ सेक्शन ऑफ सॉलिड, दूसरा डेवलपमेंट ऑफ सर्फेस। इनमें सीट नहीं दे रखी, पर मैं आपको बता, तीन तीन सीट दोनों में है, 6 सीट। फिर आपको देखिए, थ्रेड में आपको 3 सीट बनानी है, नट एंड बोल्ट में भी 3 सीट बनानी है, वॉशर स्टड और स्क्रू में 2 सीट, की एंड क्वार्टर में 3 सीट, और फ्री हैंड स्केचिंग में 3 सीट। और जो आपका यूनिट 8 है, इसमें आपको देखिए ऑटो कैड के आपके रिलेटेड क्वेश्चंस यहाँ पर आपको प्रैक्टिकल में पूछे जाएंगे, इसमें आपको कोई शीट नहीं बनानी है। तो ये आपके देखिए 7 चैप्टर्स हैं। पिछली बार की जो स्टूडेंट्स थे उनको यहाँ पर 8 चैप्टर पढ़ने पड़ते थे, असेंबली ड्राइंग उन्हें पढ़नी पड़ती थी, परंतु इंजीनियरिंग ग्राफिक्स 2 का जो सिलेबस है वो थोड़ा रिड्यूस है। इस बार आपको 1 चैप्टर नहीं पढ़ना है। तो देखिए कितनी सीट हो गई आपकी, यहाँ पर 12 और 2, यहाँ पर हमारे पास 14 और 6, यहाँ पर आपके पास 20 सीट्स हो गई। यानी आपको टोटल 20 सीट यहाँ पर बनानी है एग्जामिनेशन में, 20 सीट आप एग्ज़ाम में बनाएंगे। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि इस वीडियो में हम जो है टॉपिक वाइज जानेंगे कि क्या क्या टॉपिक हैं आपके, कैसी कैसी ड्राइंग उसमें बनती है, वो भी मैं आपको स्क्रीन पर दिखाऊंगा। यहाँ पर देखिए, तो सबसे पहले हम जान लेते हैं कि क्या यहाँ पर आपकी क्राइटेरिया है, पासिंग क्राइटेरिया। तो देखिए, इंजीनियरिंग ड्राइंग सेकेंड या इंजीनियरिंग ग्राफिक्स 2 में जो टोटल आपका जो एग्ज़ाम होगा वो 100 मार्क्स का होगा, और इसमें पासिंग मार्क्स आपको 33 ऑप्टेन करने हैं। पास होने के लिए आपको 33% यहाँ पर मार्क्स चाहिए, ये स्कीम है। और फिर आप यहाँ पर देखिए, अब हम जानेंगे कि जो हमारे चैप्टर्स हैं, चैप्टर वाइज हम जानते हैं कि क्या किस चैप्टर में हमें पढ़ना होगा। तो देखिए, इंट्रोडक्शन टू सेक्शन ऑफ सॉलिड में, सेक्शन ऑफ सॉलिड का अर्थ है देखिए कि आप किसी भी ऑब्जेक्ट को जो कि सॉलिड होगा, सॉलिड मेनली देखिए 2 प्रकार के होते हैं, हमने पढ़ा है इंजीनियरिंग फर्स्ट में, प्रिज्म एंड पिरामिड। इन 2 ऑब्जेक्ट को हमने पढ़ना है। तो देखिए, इन दोनों ऑब्जेक्ट में आपको देखिए कटिंग प्लेन लाइन द्वारा आपको इनका सेक्शन करना है। सेक्शन का अर्थ है कि आपको इनके इंटरनल डिटेल्स दिखानी, जैसे मैं आपको यहाँ पर दिखाता हूँ ऑब्जेक्ट में कि यहाँ पर आपका ये कोन आप देख सकते हैं अपनी स्क्रीन पर, और यहाँ पर आपने देखा कि एक कटिंग प्लेन लाइन हमने इस कोन से पास आउट करवाई, इसकी एक्सिस से 10 mm दूर आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। इस तरीके से आपने इसका जो इंटरनल पार्ट है कि कटिंग के बाद आपको किस तरीके से ये दिखाई देगा ये सॉलिड, तो ये आपका सेक्शनल पार्ट हुआ मेनली। तो ये जो है, हम इस वीडियो को जो है सबसे जो पहला जो हम चैप्टर स्टार्ट करेंगे इंजीनियरिंग ग्राफिक्स में पढ़ना, वो सेक्शन ऑफ सॉलिड ही आपका करेंगे। देखिए बहुत ही, आप जब यदि इसे पढ़ेंगे, हर वीडियोज़ यदि आप हमारे देखेंगे तो आपको बहुत आसान लगेगा, क्योंकि टॉपिक वाइज यदि हम इसे समझें, इसमें अलग अलग टॉपिक्स हैं। जब यहाँ पर आप देखिए कि जब कटिंग प्लेन HP और VP दोनों के क्या हैं, परपेंडिकुलर है, क्या है, परपेंडिकुलर भी है, HP के भी और VP के दोनों के परपेंडिकुलर है, तो आपको जो सेक्शन है उस साइड में दिखाई दे रहा है। यहाँ पर अलग अलग कंडीशन होंगी, जब आपका कटिंग प्लेन HP के पैरेलल, VP के परपेंडिकुलर, इस तरीके से भी आपके पास कंडीशन होंगी, इनक्लाइंड भी कंडीशन होगी, उसमें आपकी ट्रू शेप बनेगी, देखिए वो अधिक आता है। तो सबसे पहले हम इस चैप्टर पर डिस्कस करेंगे मेनली। फिर आपका आता है डेवलपमेंट ऑफ सरफेस। डेवलपमेंट ऑफ सरफेस का अर्थ है देखिए कि आपको यहाँ पर सरफेसेस को डेवलप करके दिखाना है। आपने पढ़ा है कि कोन, पर आपको ये नहीं पता कि कोन कैसे बनता है रियल में। आपने पढ़ा है प्रिज्म, पर आपको नहीं आता बनाना प्रिज्म, तो ये हम क्या करेंगे, इन चीज़ों को बनाना सीखेंगे। इसमें कटिंग होगी, आपकी सेक्शन प्लेन होगा, ये आप इसमें करके दिखाएंगे। देखिए इसमें आपको कितने ऑब्जेक्ट पढ़ने हैं, क्यूब का डेवलपमेंट करना है, प्रिज्म का डेवलपमेंट करना है, सिलेंडर का डेवलपमेंट करना है, ट्रंकेटेड यानी जिसमें आपने कटिंग प्लेन लाइन पास आउट करा दी डेवलपमेंट में, तो ट्रंकेटेड हो गया। डेवलपमेंट ऑफ पिरामिड आप देखेंगे, कोन देखेंगे,
अनेक अनेक तरीके से अलग अलग यहाँ पर आप चीज़ देखेंगे डेवलपमेंट ऑफ सरफेस में। इसका मैं आपको एक डायग्राम दिखा दूँ इस तरीके से कि कैसे आपने एक प्रिज्म को डेवलप किया। ये आप यहाँ पर देख सकते हैं एक स्क्वायर प्रिज्म को। तो इसमें हम इस वीडियो में जब हम इसे बनाएंगे तो मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आप ऑब्जेक्ट की मदद से इन चैप्टरों को बहुत आसानी से सीख सकते हैं। विद दी हेल्प ऑफ ऑब्जेक्ट हम जो है यह सेकंड सेम की इंजीनियरिंग ड्राइंग को पढ़ेंगे। देखिए फिर आता है आपके पास जो थर्ड चैप्टर है वो है थ्रेड्स। थ्रेड का अर्थ होता है चूड़ी। तो देखिए थ्रेड्स आपको पता है, देखिए जैसे नट और बोल्ट में आपकी थ्रेड कटी होती हैं, यानी चूड़ियाँ आपकी कटी होती हैं, इस तरीके से आप देख सकते हैं। ये मैं आपको बताता हूँ, ये आपकी रॉड है, इस तरीके से आपकी यहाँ पर थ्रेड्स कटी हुई हैं ऐसे। इसे ही आप क्या कहते हैं, थ्रेड्स कहते हैं। और इस चैप्टर में आपको देखिए बहुत सारे टॉपिक्स कवर करने हैं, टाइप्स ऑफ थ्रेड, वी थ्रेड, एक्मे थ्रेड, BHW, BA, नकल थ्रेड, ये सभी टॉपिक्स आप इसमें पढ़ेंगे। लेफ्ट हैंड थ्रेड क्या है, राइट हैंड थ्रेड क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है आपका। तो इसमें आप यहाँ पर देख सकते हैं इस तरीके से आपको यहाँ पर वास्तव में जो है आप थ्रेड देखते होंगे। ये नट के अंदर की थ्रेड है और ये बोल्ट के, आपको पता है बोल्ट में चूड़ियाँ बाहर कटती हैं, नट में अंदर कटती हैं। तो ये हम देखेंगे किस प्रकार से हम इन्हें ड्रॉ करेंगे। इसका नॉमन क्लेचर भी पूछा जाता है कई बार, वो भी मैं आपको बताऊंगा। तो ये आपके टॉपिक है। कहने का अर्थ ये है कि आप देख रहे हैं हर चैप्टर में आपको अलग अलग चीज़ें पढ़नी, नई नई चीज़ें पढ़नी हैं। तो ये काफ़ी आपको, देखिए यदि आप शुरू से ही प्रैक्टिस में रहेंगे तभी आप इसको पेपर में बना पाएंगे। देखिए फिर आता है नट एंड बोल्ट। नट एंड बोल्ट जो आपका चैप्टर है, इसमें आपको नट और बोल्ट बनाने हैं, चाहे वो हेक्सागोनल नट हो, स्क्वायर नट हो। फिर हेक्सागोनल बोल्ट आपको बनाना होगा, हेक्सागोनल नट बोल्ट असेंबली, स्क्वायर नट एंड बोल्ट असेंबली। लॉकिंग डिवाइस इसमें हम पढ़ेंगे, लॉक नट, कैसल नट, स्प्लिट पिन नट, सॉन नट, स्लॉटेड नट, ये सब पढ़ते हैं। देखिए तो इस तरीके से आप देख रहे हैं एक बोल्ट का डायग्राम आप यहाँ पर देख रहे हैं। इसमें बोल्ट भी पढ़ेंगे, नट भी पढ़ेंगे, क्या क्या हम यहाँ पर डायमेंशन लेते हैं, देखिए इसमें सब हमें याद करना पड़ता है। इसलिए ये भी आपको बहुत अच्छे से आना चाहिए। कहने का अर्थ ये है कि आप देखिए इसमें कितनी वैरायटी है टॉपिक की। तो इन वैरायटी ऑफ टॉपिक, अभी मैंने आपको इसमें बताया कितने टॉपिक मैंने इसमें देखी, जिसने हेक्सागोनल नट एंड बोल्ट, हेक्सागोनल नट, इनकी असेंबली, फिर लॉकिंग नट। तो आपने देखा कि इतने टॉपिक हमें पढ़ने हैं। तो आप जो है इसको बिल्कुल भी जो है मिस ना करें, सारी वीडियोस देखिए हमारे चैनल पर, आप इसको 100% जो है वो कर पाएंगे। देखिए फिर आता है आपका स्क्रू स्टड एंड वॉशर। स्क्रू स्टड एंड वॉशर देखिए, इसकी आपके को दो शीट बनानी है। इसमें आप देखिए, आपको देखिए वॉशर आप बनाएंगे, इसमें स्टड आप बनाते हैं, स्क्रू, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ईजी है ये। आप देखिए ये एक फिफ्थ यूनिट है आपकी। फिर है की एंड क्वार्टर, सबसे डिफ़िकल्ट यहाँ पर जो स्टूडेंट होते हैं उनको लगता है ये की एंड क्वार्टर चैप्टर। इसमें आपको जीब एंड क्वार्टर जॉइंट, नकल जॉइंट की असेंबली से डिटेल ड्राइंग बनानी पड़ती है। देखिए ये काफ़ी स्टूडेंट्स को काफ़ी कठिन लगता है। जब आप अपने बुक्स में देखिए, आई होप आपने बुक ले ली होगी सार्थक पब्लिकेशन की, इससे पहले वीडियो मैंने आपको बताया था। तो आप यदि उसमें जीब एंड क्वार्टर जॉइंट, नकल जॉइंट देखेंगे तो आप उसमें देखेंगे कैसे इसको असेंबल किया गया है। तो उसमें आपको काफ़ी क्वेरीज होंगी। ये जो है बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जैसे आपका ऑर्थोग्राफिक आइसोमेट्रिक इंपॉर्टेंट था, इसी प्रकार ये आपकी असेंबली बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए कीज़ क्या है, क्वार्टर क्या है, कैसे आप ये इन्हें बनाते हैं, ये देखिए ऐसे, ये देखिए आप असेंबली देख रहे हैं कि यहाँ पर एक फोर्क है, ये रॉड एंड है, ये आपकी नकल पिन है, ये आपके यहाँ पर क्या है, टेपर पिन है। इन सबको असेंबल कर कर आपका एक नकल जॉइंट जो है यहाँ पर बनता है। तो ये आपका हो गया नकल जॉइंट की असेंबली आपकी हो गई। इस तरीके से आप इसे बनाएंगे, मैं आपको बताऊंगा टॉपिक वाइज हम वीडियोस बनाएंगे, जैसे फर्स्ट सेम में हमने पढ़ा था। अब आप यहाँ पर देखिए फ्री हैंड स्केचिंग, इसमें आप रिवेट एंड रिवेटेड जॉइंट बनाएंगे, रिवेट और रिवेटेड जॉइंट आप इसमें बनाएंगे, कपलिंग भी आप इसी में बनाएंगे। देखिए तो ये आप देख सकते हैं रिवेट, रिवेट आपने अपने वर्कशॉप में पढ़े होंगे, देखे भी होंगे रिवेट, रिवेट से जॉइंट भी बनाया होगा। तो इन रिवेट का यूज़ करते हुए हम जॉइंट बनाएंगे, देखिए इसमें ड्राइंग बनाएंगे। तो ये आपके देखिए इतने इंपॉर्टेंट टॉपिक है। और जो लास्ट आपका जो चैप्टर है, इसमें से आपका देखिए ऑटो कैड के क्वेश्चंस आते हैं यहाँ पर, आपसे प्रैक्टिकल में पूछे जाते हैं। तो ये सभी क्वेश्चंस जो है मैं आपको यहाँ पर बताऊँगा। देखिए जो प्रैक्टिकल में इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस पूछते हैं ऑटो कैड से रिलेटेड, ये हम आज आपको इस मतलब वीडियो में बताएंगे। आगे जो है इसमें आपको शीट नहीं बनानी, केवल आपको थ्योरेटिकली पता होना चाहिए ऑटो कैड क्या है। देखिए ऑटो कैड होता है, देखिए अभी हम जो है ड्राइंग बनाते हैं शीट्स में, आपको ड्राइंग बनानी है कंप्यूटर की हेल्प से, सॉफ्टवेयर में आपको ड्राइंग बनानी है, तो उसे ही आप ऑटो कैड कहते हैं। उसमें अलग अलग कमांड्स होती हैं, जिससे आप लाइन वगैरह जैसे भी आप अभी हैंड से ऑपरेशन करते हैं सारे, वहाँ पर आप सारे कीबोर्ड और माउस की हेल्प से कमांड्स की मदद से करेंगे। तो ये देखिए इतने इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं जो आज हमने डिस्कस किए इंजीनियरिंग ड्राइंग में। एज सून एज पॉसिबल विद इन 2 or 3 days आपको फर्स्ट वीडियो देखने के लिए मिलेगी इंजीनियरिंग ड्राइंग सेकेंड की, सेक्शन ऑफ सॉलिड,
आपको वीडियो देखने के लिए मिलेगी। यदि आपको इस वीडियो से रिलेटेड कोई भी क्वेरी है, टॉपिक से रिलेटेड, सब्जेक्ट से रिलेटेड, बुक से रिलेटेड, सार्थक पब्लिकेशन मैंने आपको बताया बेस्ट बुक है, वो बुक आप परचेस करें। यदि आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ आप इसे लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ देखिए शेयर करें, और आप हमें त्रिशक्ति अकेडमी फेसबुक, इंस्टाग्राम और टेलीग्राम पर भी लाइक कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।